और 6 पे 4 लास्ट क्लास क्या में था हम लोग? कुछ होमवर्क दिया था हम आप लोग को? चलो क्या पूछ रहे हैं आप? ओ ये इफ इन द ट्रायंगल द एरिया इज न्यूली इक्वल टू द पेरिपेटिकुलर रेडियस ऑफ द जब सर्कल ऑफ द ट्रायंगल इज। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका ये क्वेश्चन, और लास्ट होमवर्क दिया था हम आप लोगों को। ओके चलिए डेसिमल फ्रैक्शन में था ना। चलिए क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन को देख लेता हूँ। हाँ इन ट्रायंगल द एरिया इज क्या है इक्वल टू द पेरीमीटर। ओके चलिए पेरीमीटर अभी क्या पूछ रहा है? देन द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ऑप्शन। ओके 1 1.5 सी 2 एंड 0। इस टाइप के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस पूछता है। ओके इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा रहेगा। क्लियर? क्या बोल रहा है इसका? कोई आंसर दे सकता है? कौन कौन है? 1 सेकंड। अबोन, मिस्टर बी एच नीच और कौन? मंसूर। कोई एनीवन? डायरेक्ट बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ा इशू नहीं इसको करने के लिए।
कोई आंसर बता सकते हैं जल्दी से? अरे आंसर टू होगा, कैसे होगा टू? आंसर टू होगा कैसे? एनीवन? ये क्या का आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन से, ओके, जो हम जो बुक से पढ़ा था उसी का क्वेश्चन से है। कोई बता सकता है आंसर? पता है टू है कैसे? हाउ? जेम्स को छोड़ के हम लोग एरिया कंप्लीट कर चुका है ना, एरिया हम लोग कंप्लीट हो चुका है, तो इसका कोई आंसर बता सकता है? किसी को आइडिया नहीं चल रही। कोई ट्रायंगल है, ओके, एक ट्रायंगल है जिसका जितना एरिया होगा, जितना एरिया है उसका पेरिमीटर भी ये तीनों साइड की सेम है, ओके, ये तीनों साइड की सेम है, ओके। तो क्या पता है अभी जो एक इसका रेडियस बनेगा उसका, सॉरी, जो एक सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा? जो एक सर्कल बनेगा इसका इनसाइड सर्कल ऑफ द ट्रायंगल कितना बनेगा बोलते कुछ, ओके। तो कुछ भी ले सकता हम, जब कोई भी चीज का एरिया, ये पेरिमीटर और एरिया बराबर है तो क्या क्या हो सकता है? पेरिमीटर और एरिया बराबर होगा तो कितना होगा? पेरीमीटर और एरिया बराबर होगा तो हम लोग कहते हैं रेडियस इक्वल टू, सॉरी सॉरी, डी इक्वल टू डायमीटर चाहिए ना, डायमीटर को क्या चाहिए हम लोग को? रेडियस इक्वल टू डी बाई टू, ओके, रेडियस चाहिए ना डी बाई टू। अभी हम लोग क्या मानेंगे, जितना पेरीमीटर होगा उतना बाई टू माने, है कि नहीं? पेरीमीटर जितना उतना बाई टू मानना पड़ेगा हम लोग को। पेरीमीटर क्या है पता है कुछ? रेडियस होता है, ध्यान से, हाँ, रेडियस होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है डी बाई डायमीटर से। हम लोग क्या डायमीटर कुछ पता है? जितना एरिया होगा बोला उतना ही पेरीमीटर भी होगा बोला, जितना एरिया होगा बोला उतना ही पेरीमीटर भी होगा। तो हम लोग को रेडियस से, रेडियस का फॉर्मूला होता है डी बाई टू, तो डी क्या है? जितना पेरीमीटर होगा उतना ही एरिया होगा, क्लियर? तो पेरीमीटर और ये दोनों को आइडिया नहीं, तो इसका क्या मानेगा हम लोग? इसका वन मान के चलेगा, जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही एरिया मानेगा, तो वन बाई टू पर टू वन जब टू ही होगा वापस घूम फिर के, ओके। इसको हम लोग क्या मानेगा, एक पेरीमीटर को, पेरीमीटर और एरिया को एक ही चीज मानेगा, अगर वो टू होगा, फाइव होगा या 25 होगा, तो वापस से हम लोग वापस घूम फिर के एक ही चीज मिलेगा, ओके। क्यों? इसका तो कुछ, अगर इसको एक्स मान के चलते टू एक्स या टू ही होगा, मतलब टू एक्स या टू एक्स, ओके, एक्स का वैल्यू क्या होगा? वापस टू हो गया, कैसे? क्यों? क्यों बोलते? इसका भी कुछ वो नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा था। अभी हम लोग क्या रखेंगे, डी का बदली क्या रखेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल? तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नहीं है, तो सिंपल सा आंसर क्या होगा हम लोग का? टू ही होगा, समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ?
अगर ऐसे समझ में जाए तो दूसरा तरीका से भी समझ जाएगा। ओके, इस टाइप से समझ में ले आए तो दूसरा तरीका भी है। ओके, ये क्वेश्चन का समझने के लिए नहीं हुआ किसी का कुछ ऑप्शन में, किसी का कुछ रिप्लाई दे देखो। दूसरा क्या तरीका, अगर कोई भी ट्रायंगल होगा, इसके हम लोग पेरीमीटर चाहिए तो क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा क्या है, इन द ट्रायंगल द एरिया इज डबल इक्वल टू द पेरीमीटर, 2 × s साइड्स। ओके, 2 × साइड, अभी क्या करेंगे हम, हमको चाहिए रेडियस, तो रेडियस के लिए क्या चाहिए, पेरीमीटर तो इक्वल तो होगा बोला है ना, 2s/s, पर s करते हैं तो वापस रेडियस भी 2, 3 ऐसे भी निकल रही है, आपका मर्जी है, इस टाइप से भी कर सकता है। ओके, पेरीमीटर p इक्वल टू 2s 2 × साइड। ओके, तो हमको रेडियस चाहिए, इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर बाय s, तो इसका क्या लिया था हम पेरीमीटर के लिए, r = 2s/s, का भी सेम निकलेगा, अदरवाइज डायरेक्ट पेरीमीटर भी पूछने हैं और एरिया भी पूछने हैं, उसके बाद हम कुछ भी लेके पूछ लेगा तो 2 से काटेगा तो 2 ही होगा, फिर 2 आना है तो 2 आंसर 2 ही होगा, घूम फिर के वैसे भी कर सकते हैं आप, इसे पूछ करने के लिए सोल्यूशन नहीं था। ओके, डायरेक्ट पेरीमीटर 2s लगेगा, 2 × साइड होता है, एस एस काटेंगे तो वापस 2 ही बचेगा, फिर घूम फिर के वैसे भी कर सकता है, और दूसरा तरीका भी ये करने का। और डेसिमल फ्रैक्शन में थोड़ा सा क्वेश्चन था ना हम लोग का, गेस पेपर से एक दो क्वेश्चन पिक करेगा। ओके, गेस पेपर का क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन पिक करेगा। चलिए (2.39 स्क्वायर माइनस 1.61 स्क्वायर बाय 2.39 - 1.6, इसका आंसर क्या होगा। ओके, 2.68 क्या होगा डायरेक्ट, हम लोग को स्क्वायरिंग लेना जरूरी नहीं है, अगर आप समझ गया तो स्क्वायरिंग लेना हम लोग को जरूरी, 2.39 स्क्वायर वो सब लेना बिल्कुल जरूरी नहीं। क्या होगा, क्या होगा ऊपर में क्या होगा, ध्यान से, a² - b² ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस हो रहा है ना, a² - b² मतलब क्या लिख सकता है, a+b a-, ये लिख सकता है ना हम, ध्यान से, तो a+b क्या होता है, a+2 ओके, इनटू 6-1 जाए कितना हो रहा, 8 3 1 बस ये हो रहा है ना, 2 39 - सॉरी सॉरी 1.61 8 6 7 8 9 10 11 12 7 1.7, ओके 0.7 सॉरी 0.7 हो गया, 4 / 0.7 बाय ये जो a-b क्या होगा, 0.78 काटने आंसर आएगा, दिख रहा है 78 काटने आंसर को, कैसे a+b 2.39 + 1.6 ओके, प्लस 2.39 - 1.6 बाय 2.39 - 1.6, दिख रहा है ना सबको, दोनों को प्लस किया तो 4 × 0.7 ओके, बाय दोनों का a-b 0.7 काफी हो गया, डायरेक्ट आंसर 4। ये हो गया,
इस टाइप के क्वेश्चन आंसर कैसे करेगा? ये सब का हो गया ना। व्हाट इज द डेसिमल? व्हाट इज द डेसिमल ऑफ एन आवर? आवर इज ए सेकंड। ऑप्शन क्या होगा आपको कहा जिसका निवर्तन कर सकते हैं? क्या होगा ऑप्शन आप लोग का सामने? देखिए, व्हाट इज द डेसिमल ऑफ एन आवर इज ए सेकंड? 1 घंटा में 1 सेकंड का डेसिमल क्या बनेगा बोल के पूछा है। ए बी सी डी को ऑप्शन बता सकता है जल्दी से? व्हाट इज द डेसिमल ऑफ एन आवर? ओके, 1 घंटा का 1 घंटा और 1 सेकंड का डेसिमल क्या बनेगा? 1 आवर एंड 1 सेकंड का डेसिमल क्या बनेगा? ऐसा कोई बोल सकता है? एबीसीडी जल्दी, ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग को, उसमें भी आप लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं। जल्दी से बताओ ए। नीचे आपका गलत है आंसर, ए गलती है। ओके, ए गलत है। एनीवन, ए इज रॉन्ग आंसर। और कोई? डी, मिस्टर डी, एच डी भी गलती है, डी भी गलती है। बी और सी में कुछ आंसर है, क्या होगा? मिस्टर बी, एच डी भी गलती है। क्या आप उसे? सी भी गलती है, सी भी गलती है। क्या अब इतना समझ सोचे से सब लोग गलती गलती करते हैं? 1 आवर दिया, 1 डे तो नहीं दिया ना। 1 आवर मीन्स 1 तो होगा, तो 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। और कितना सेकंड? 60 सेकंड। ओके, 6 6 36 डबल 2 5 1 हो गया। 1/36 डबल 2 क्या करेगा? 1 को डिवाइड, 3 6 डबल 0.2, ज्यादा नहीं जा रहा, 1 0 जा रहा है, फिर भी नहीं 1 0, अभी भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो और 1 0 हो गया। कितना टाइम दे रहा है? 3 6 7 2 जीरो जीरो 9 से टूट गया, 8 से टूट गया, 9 से टूट गया, ज्यादा नहीं। कितना टाइम देगा? 7 जीरो सेवन। ओके, एग्जैक्ट इतना जाएगा। अभी पता चला आंसर किसे हो रहा है?
0.0027। जीरो पॉइंट 0027। ओके, 7 7 आते रहेंगे, 7 लगा देंगे। ओके, अभी क्लियर है आंसर कैसे आया? यस और नो? ओके, आप लोग मेरे क्लास का नंबर सिस्टम में बैठा होते, ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता होता। हाँ, नेक्स्ट। I am 0.96 Q माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.96 स्क्वायर प्लस 0.096। 0.096 ओके, प्लस 0.1 स्क्वायर क्या होगा इसमें? 0.86 बी, 0.95 सी, 0.97 डी, 1.06। आंसर क्या होगा? बहुत ही शौक तरीका है करने का। हम पता था नंबर सिस्टम में क्यूब होने से क्या करना है, बोलते हैं आप लोग मेरा क्लास का नंबर सिस्टम में था, उनसे पता करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएगा क्या हो रहा है। ओके, क्या होगा आंसर? एनीवन? यहाँ हो क्या रहा है? ए क्यू माइनस बी क्या हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर हो रहा है ना। जब भी हम बोला, जब भी क्यूब होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, जिसमें साइन क्या है, माइनस है ना, तो ए माइनस बी करने से कोई सॉल्व करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। ओके, ए माइनस बी करने से होता है। कैसे? ए क्या है? 0.96 माइनस 0.1 क्या होगा? 0.1 क्या होगा आंसर? 0.86। कोई सोल्व करने, जब भी क्यूब होगा तो हम लोग ए माइनस बी ले सकते हैं, क्यूब सोल्व करें फाइनली हमको मिलेगा यही। ओके, जब भी हम लोग सोल्व करेंगे मिलेगा यही आंसर मिलना है हमें। नंबर सिस्टम में बताया था इस तरह का क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होने से अगर प्लस होता तो हम क्या लेता? डायरेक्ट प्लस लेता। ओके, तो आंसर क्या होगा? ए माइनस बी, 0.96 माइनस 0.1 मतलब 0.86। आंसर क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं?
यस और नो? ओके, तब तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आप लोग को। हाँ ये क्लियर होगा तो आप लोग बताइए। मिस्टर बी शोर की गति दिखाना है। ओके परसेंटेज टेक्स कीजिए, आपको शोर की गति बहुत लंबा निकलेगा। फाइनली आंसर तो मिला आपको 0.86 है। डायरेक्ट जब भी ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो प्लस होगा तो प्लस कीजिए, माइनस होगा तो माइनस कीजिए। एग्जैक्ट आंसर आपको यही मिला, 100% यही मिलेगा। कोई चेंजेस हो 0.1% भी चेंजेस नहीं होगा। करके देखिए कुछ भी क्वेश्चन को टिक करके। ओके कुछ भी क्यूब वाला क्वेश्चन को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिस्टर बी ए, आप कुछ भी क्वेश्चन को टिक करके देखिए कौन सा क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये भी चलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कुछ भी, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्लस है तो डायरेक्ट ए प्लस बी कीजिए, माइनस है तो ए माइनस बी कीजिए। 100% एक्यूरेट आंसर आ गया, कुछ भी गलती नहीं आएगा आपका। ओके करके देखिए। कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बड़े ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सिर्फ हम नीचे को देख लेंगे जो ऊपर का क्या चल रहा है कंडीशन, बस उससे हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ओके हाँ बेटा, न्यूमिनेटर में जो भी हो आंसर पूरा सेम होगा, 100% सेम होगा। ओके वन मोर ना। ओके आप लोग को देता हूँ, तब तुम्हें और क्वेश्चन देता हूँ, एक सेकंड। आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ, देख लीजिए आप लोग, जस्ट आंसर बताना। ओके 1000 500 ओके देख लीजिए, प्लस 2 3 2 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
ओके 7 8 6 टू 7 6 8 माइनस 7 6 8 इनटू 2 3 2 प्लस 2 3 2 इनटू 2 3 ओके देख लीजिए असल में क्या होता है इन सेंसेशन नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो रहा है कि नहीं हो रहा ऊपर में बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बीस ये हो रहा है होने के लिए क्वेश्चन देखिए ओके लेकिन हम क्या 20 में प्लस है ना और क्या हो रहा है क्यूब 1 2 3 सेम क्यूब हो रहा है ना कुछ भी नहीं करेगा ए प्लस बी व्हाट इज ए 7 6 बी 2 8 9 10 6 7 8 9 10 क्या हो रहा है आंसर ए डायरेक्ट जो थोड़ा पहले क्वेश्चन लिया था वो ये भी ओके okay? समझ में आया अभी 7 6 8 + 2 3 2 डायरेक्ट 1000 क्लियर है और दो क्वेश्चन इस टाइप का और दो अगर कभी भी क्यूब होगा तो जरूरी नहीं हम लोग इसमें जाते रहने के लिए इसमें जाते रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं ऊपर देखिए क्यूब है तो डायरेक्ट अब इसे क्यूब को इंटू कर पाएंगे हम लोग इसको मल्टीपल कर पाएंगे क्या इसको इतना बड़ा होता है
वन बाई टू प्लस टू टू बाई सेवन इक्वल थ्री वन बाई टू प्लस एक्स। आंसर क्या होगा इसका? टू बाई थ्री, टू बाई सेवन, सेवन बाई टू, सेवन बाई टू। ऑप्शन आपका सामने, ओके। वन टू बाई टू प्लस टू टू बाई सेवन इक्वल थ्री वन बाई टू प्लस एक्स। आंसर क्या होगा? इसके आंसर जल्दी से, बहुत ही सिंपल वाला देना। आंसर क्या हुआ इसका? आंसर अरे वेरी गुड, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया था आपको, कहीं घबराने का जरूरत नहीं है इसमें। जस्ट ये आप लोग को एलडीसी और कॉन्स्टेबल में ज्यादा फ्रैक्शन वाला पूछते हैं, उनके दे रहे हैं, ओके। जिसके अंदर हो रहा है उनको बता रहा है। टू ऑन टू प्लस वन थ्री बाई टू प्लस सेवन टू फोर्टीन फिफ्टीन सिक्स बाई सेवन इक्वल थ्री वन थ्री फिफ्टीन सिक्स सेवन। हो गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेगा, एलसीएम क्या होगा? सेवन टू या फोर्टीन, ओके। थ्री क्या है? टू कितना? फोर्टीन टू सेवन प्लस सिक्स सेवन टू या फोर्टीन, सॉरी सेवन टू या फोर्टीन, ओके। सेवन बाई टू प्लस सिक्स, सेवन सिक्स ट्वेंटी वन प्लस सिक्सटीन बाई फोर्टीन इक्वल सेवन बाई टू प्लस सिक्स। देख रहे हैं ना सबको, दोनों प्लस एक कितना हुआ? थ्री इक्वल सेवन बाई टू प्लस सिक्स। एक्स को इधर लेकर आते एक्स इक्वल, ओके। फिफ्टी थ्री बाई फोर्टीन माइनस प्लस माइनस सेवन, एलसीएम क्या होगा वापस? फोर्टीन का, ओके। फिफ्टी थ्री इंटू वन माइनस सेवन नीचे टू टू सेवन, ओके। फिफ्टी थ्री माइनस सेवन सेवन का फोर्टीन, फाइव कितना होगा? फिफ्टी थ्री माइनस फोर, ओके। फोर बाय टू टू जा फोर टू सेवन का टू बाय सेवन, देख रहा है? टू बाय सेवन आंसर बी। बस इतना सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, ओके। क्या रहे सबका नेट इश्यू हो रहा है क्या? सबका नेट इश्यू हो रहा है क्या?
लेट ज्वाइन हो रहा है सबके सब। ओके, आप लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। हाँ यार, ये नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं पता चल रहा, इसीलिए हम भी रुक रहे हैं आप लोग का। हाँ थ्री क्यू प्लस टू क्यू आपका क्वेश्चन 2 to the power 3 प्लस 3 to the power 3 डिवाइडेड बाय 4 + 1 - 1। नहीं ये अलग क्वेश्चन है ना बेटा, जो नीचे आप दे रहे हो वो अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भेजता तो ज्यादा क्लियर होता क्या। 2 to the power 3 + 3 to the power 3 डिवाइडेड बाय 4 to the power 2 - 1 + 3 d 3 d क्यूब। इसका स्क्रीनशॉट भेजने से ठीक था आपका ना, प्लस बी लिखा है ना मिस्टर बी, इसका बहुत नेटवर्क इश्यू प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपको। नहीं यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका पास अगर स्क्रीनशॉट होता तो भेजता तो ज्यादा सही रहता है। हाँ ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट करेगा। हाँ जरूरी है ज्यादा क्वेश्चन करना। 7 1/2 ओके, थर्ड ब्रैकेट माइनस 2 1/4 डिवाइडेड सेकेंड ब्रैकेट ओके 1 1/4 माइनस 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट 1 1/2 -1/3 - 1/6 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट ओके। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको, 2 by 9 4 1/2 9 1/2 177/2 आंसर क्या होगा। ओके okay? क्वेश्चन दे फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट तीनों एक ही क्वेश्चन में है। हाँ क्लियर, तो कहाँ से सॉल्व करके आएगा। हम सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को खत्म करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट खत्म होने के बाद क्या करेगा, सेकंड ब्रैकेट को खत्म करेगा, और सेकंड ब्रैकेट खत्म होने के बाद थर्ड ब्रैकेट, उसके बाद जो है माइनस प्लस जो है उसको करना। ओके कोई आंसर जल्दी से बता सकते हैं तो ठीक है। ये डेसिमल फ्रैक्शन तो कुछ भी नहीं, इजी है। हम इसका म्यूचुअल एलिगेशन करेगा। हाँ जो शायद आप लोग एलडीसी एग्जाम में या कांस्टेबल में आ सकता है। ओके नेक्स्ट क्लास हम लोग म्यूचुअल एलिगेशन करेंगे। हाँ आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया आने से ठीक रहेगा, थोड़ा सा देख भी लीजिए, आप लोग थोड़ा देख भी लीजिए। ओके म्यूचुअल एलिगेशन को करेगा तो आप लोग को आसान रहेगा। ओके इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। ओके जो इसको मिक्स फ्रैक्शन वाला है उसको तो कंप्लीट कर दे। 7 2 14 + 1 15 / 2 मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लेके दे रहा है। ओके माइनस 4 2 + 1 क्या है, 4 2 9/4 डिवाइड कर डिवाइड। ओके सेकंड ब्रैकेट 4 1 4 5 5 4 -1/4। अभी सबसे पहले इसको खत्म करेगा। ओके 2 1 2 + 1 3/2 -1/3 -1/6 क्या करेगा, सेकंड ब्रैकेट ये खत्म। अब इसको इधर ही खत्म कर देगा। कैसे, इसके एलसीएम क्या होगा, 2 3 6 है एलसीएम 6 दिख रहा है। ऊपर क्या होगा, 3 नीचे 3 2 कितना है 6 2 3 जा माइनस 1 3 2 जा 2 माइनस 1
वन, ओके। 3 3 9 -2 -1 -, प्लस 9 -3 6, 6/6 कर दिया खत्म। ओके 6/6 1, ये कहानी दरी खत्म। अभी क्या बचता है, 15/2, ये 1 निकल के खत्म होगा। ओके माइनस करने से देख लीजिए, -9/4 डिवाइड, ये दोनों कैंसिल, 4 और 2 का 4। अब इसको फिनिश करेगा, ओके 5/4 -1/2, दोनों का एलसीएम 4, ओके 5 × 1 -1, 2 2 जा 4, हाउ मच 5 -2, 3/4, क्या निकल गया मेरा 3/4, ओके। ये मेरा क्या हुआ, सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट को भी हम डायरेक्ट खत्म कर दे, ओके ये सेकंड ब्रैकेट भी खत्म कर दे, फर्स्ट ब्रैकेट तो आगे खत्म। अभी बचा थर्ड ब्रैकेट, 15/2 माइनस, ये क्या होगा 9/4 × 4/2, देखा है 4 4 कैंसिल, 3 3 कितना बच गया, 3। 15/2 माइनस क्या करेगा अभी हम, 3 बचा है ना, 3/2, ओके एलसीएम 2 का 1 2 लिया इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए, 15 1 3 1 2 कितना बच गया, 15, बीच में माइनस है ना, -3/5 कितना बच गया, तो 3 2 6, 3 2 6 हाउ मच 9/2, काटेगा तो 9/2 को 2 4 जा 8, 4 1/2 कितना बचता है, 4 1/2, दिखा है बहुत ही सिंपल था, 4 1/2 आंसर होगा। सबको समझ में आया ये, ओके तो क्लास को ऑफ करते हैं, लाइट गया, ओके हो गया क्लास खत्म नहीं। कल आप लोग को मिक्सचर एलिगेशन कराएगा, ओके आज डेसिमल फ्रैक्शन, बस ये सब आप लोग घर में प्रैक्टिस करके बैठिए, ओके थैंक यू ऑल।